नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। आजमगढ़ की लालगंज तहसील के जमुई गांव के ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा। गांव की महिला सरोजा पूनम आज महिलाओं ने मीडिया को बताया कि वे कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, शौचालय, रास्ता आदि के लिए ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी उन्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ग्राम प्रधान लगातार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं को सरकार द्वारा मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग के कॉलोनी ना मिला था, न राशन मिला था, न संडास करक मिला था। लाइटरिन दूसरे के खेत में जाते सब गाड़ी देते हैं, मारते हैं। ये कुल दिक्कत हमने खेब प्रधान क्या कर प्रधान कॉलोनी के सुना सुना के हमने के बका बका के कि खा जाता हम देते नहीं हैं। क्या चाहते हैं? तो हम लोग की ये कॉलोनी चाहिए, शौचालय चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, ये को ना मिला। हमने के रहा लेकिन ठेकाना ना, न खेती ना बारी कुछ ना। आज डीएम साहब से मिले नहीं गए, नहीं मिले दिए। हमने का खेती बारी ना, हमने का 10-20 खेत में पड़ जाता, अपन बहुत जोता तो लेकिन गम तना देता है। ना सड़क ना आना जाना का कुल का रुकावट है। आदमी मजदूर धर के अपना करता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ मैं। और कुछ काट काट के तो मरे इच्छा तो ना कानून नहीं ना देते हैं प्रधान। हमने कुछ ना मिले, आवास ना मिले ना, हमने राशन ना मिले। तो हाँ चाहता हमने कि एक साहब हमने कि कॉलोनी मिल जाए, हमने कंधे का दूठ रहा है बंदा। हमें अपने प्रधान से कहो, कल प्रधान का तो कहते प्रधान आओ तो कॉलोनी बस खा जाता है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक के निर्देश में आज तरवा पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से असलाह व कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौकी बोंगरगी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर ने बताया कि चंद्रा देवी स्कूल के पास एक व्यक्ति खड़ा है तथा वह अपने कमर में कोई असलाह खोसा हुआ है तथा वह कोई घटना करने की फिराक में है। मुखबिर की खास सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम चंद्रा देवी स्कूल के लिए नहर मार्ग से अपने आप को छिपते छिपाते घटनास्थल पहुंची और वहां पर जाकर के पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम राहुल चौहान, पुत्र सुखारी चौहान, सराय त्रिलोचन, थाना तरमा, जनपद आजमगढ़ बताया है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली इलाके के मुल्तानीपुर निवासी खुर्शीद ने ग्राम के ही दबंगों पर अवैध जबरन खेत जुतवाने का कुछ दबंगों पर आरोप लगाया है। खुर्शीद का कहना है कि उनके बेटे के मौसी का घर नगर कोतवाली इलाके के भगवा में, जहां जमीन मेरे बेटे सोहेल के नाम उनकी मौसी ने रजिस्टर्ड वसीयत की थी, लेकिन वहां दबंग पड़ोसी ने पुलिस के रोकने के बाद भी रात में ट्रैक्टर चलवाकर मेरे खेत की जबरन बुआई कर ली। ऐसे में पीड़ित खुर्शीद का दावा भी है कि पुलिस प्रशासन उसकी मदद नहीं कर रहा है, वह लगातार अधिकारियों की चौकट पर जाकर चक्कर लगा रहा है। खुर्शीद ने अपने बयान में यह भी बताया है कि मेरी जान खुद दबंग पड़ोसियों से खतरा भी है। पीड़ित सुहेल खुर्शीद ने अपने बयान में कहा कि मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाऊंगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुहेल खुर्शीद को कब तक न्याय मिलेगा। क्या कुछ कहा पीड़ित खुर्शीद ने, आपको सुनवाते हैं। सर, मेरे दो बेटे हैं, मैं रहने वाला ग्राम सभा मुल्तानीपुर का हूँ। और भंगवा में मेरी साली ने हमारे बच्चों के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी 4 साल पहले। तो सर, उनके मरने के बाद से इन हमारे जो दबंग किस्म के पड़ोसी लोग हैं वो उस पर जबरियन कब्जा कर रहे हैं। जो कब्जा करना सर उन लोगों ने शुरू किया, तो मैं कोतवाली CO SP सब सारे अफसरों को मैंने बताया कि सर ऐसे हो रहा है। पुलिस जाके वहाँ रोकती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है सर। उसके बाद फिर मैंने लखनऊ हर जगह सर मैंने दिया, अफिसरों से फिर बात की, फिर सर धीरे धीरे ये करके खेत को बोलिए 2:30 बजे रात को बोना शुरू कर दिए। उसके साथ कुछ अराजक तत्व भी थे, मारने की धमकी दे रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट करने की धमकी दे रहे हैं। मेरे बच्चों को हर तरह से सताया जा रहा है, घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। और सर मुझे हम लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद खुर्शीद है, मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद सोहेल खुर्शीद, मेरे छोटे अच्छा। बेटे का नाम है मोहम्मद साजिद खुर्शीद, जो
मेरा बड़ा बेटा 19 साल का है, छोटा बेटा सर मेरा 16 साल का है जो 10वीं में पढ़ता है। बड़ा बेटा 19 कौन साल सा थाना चौकी लगता है सर? मेरा थाना चौकी लालगंज लगता है, लेकिन अभी हम लोग सदर में रह रहे हैं, मेरा सदर थाना चौकी है। ठीक, अच्छा नगर कोतवाली पड़ता है? नगर कोतवाली पड़ता है सर मेरा। कौन से गाँव का मामला है? ये भंगवा पूरे नरसिंह भान का मामला है सर। और रात को 2:30 बजे ये लोग अराजक तत्वों के साथ जुड़े, कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से हम लोगों को जरूरत से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हम लोगों को जान माल का खतरा भी है सर, क्योंकि हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए, मेरी जान माल का खतरा जो है उसे दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से खबर है, जहाँ भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष बने पत्रकार राजकुमार शर्मा। आपको बता दें कि भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद द्विवेदी के निर्देशन पर जनपद मऊ के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार शर्मा को मऊ जनपद का पूर्वांचल प्रभारी संजय पांडे ने घोषित करते हुए आशा व्यक्त की है कि राजकुमार शर्मा एक सप्ताह में नवीन कार्यकारिणी का गठन करके शीर्ष नेतृत्व को उपलब्ध कराएंगे। मऊ जनपद का जिलाध्यक्ष बनने को लेकर काफी मंथन चला, लगभग दर्जनों नामों पर चर्चा हुई। काफी सोच विचार के बाद वरिष्ठता के क्रम में राजकुमार शर्मा को भारतीय पत्रकार संघ जनपद मऊ का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। शासन के निर्देश पर हर जगह अतिक्रमण अटाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अतीक व मुख्तार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पोकलैंड व बुलडोजर लाकर गिरा दी जा रही है, जिसमें प्रशासन को कोई परेशानी नहीं हुई, तो वही आजमगढ़ में एक छोटी सी पिलर को हटाने के लिए प्रशासन के अधिकारी और राजस्व टीम महिलाओं के आगे नतमस्तक वालाचार दिखे, जो सरकारी तंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये घटना है सगड़ी तहसील के रुपयनपुर गाँव की, जहाँ सरकारी खड़ंजे पर हुए अतिक्रमण को हटवाने पहुंची राजस्व टीम की लाचारगी दिखी और यह घटना सरकारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि सरकारी खड़ंजे पर श्री राम का परिवार पिलर लाकर अतिक्रमण कर रहा है, जिसका विरोध गांव के महेंद्र राज द्वारा करते हुए तहसील सगड़े के सक्षम अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने के लिए वैधानिक प्रक्रिया के लिए आवेदन किया, जिसके तहत लेखपाल व कानूनगो की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार द्वारा मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट अग्रसारित किया गया। इस पश्चात उपजिलाधिकारी सगड़े के आदेश पर कल शाम राजस्व टीम गठित हो अतिक्रमण हटवाने पहुंची। बुलडोजर के साथ पहुंची राजस्व टीम उस वक्त लाचार हो गई जब दोपहर से शाम तक श्रीराम के घर के साथ उसके परिवार की महिलाओं ने रास्ते में बने पिलर को पकड़कर खड़ी हो गई और मौके पर मौजूद राजस्व टीम को अपशब्द बोलने के साथ वीडियो बनाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने लगी, जिस पर राजस्व टीम लाचार हो गई और मौके पर पुलिस बल की मदद से बाधा डालने वाले परिवार के मुखिया एवं आवेदक दोनों को थाने लाकर सरकारी काम में बाधा डालने पर धैर्य दे दिया। मौके से बुलडोजर और राजस्व टीम वापस चली गई। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला व एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलन व सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी व एसपी ट्रैफिक द्वारा संयुक्त रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं व 12वीं जिले की सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण टॉप 10 की छात्राओं में हाई स्कूल उत्तीर्ण पूजा गुप्ता, निकिता पटेल, सोनम यादव, दिव्या पांडे, अंशिका यादव, अंतिमा यादव, प्रीति यादव, नाबा कौशल, अनुराधा, प्रीति यादव, सलोनी यादव, कुल 11 छात्राओं में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शिखा यादव, हर्षिता यादव, आहस्ता यादव, स्नेहा यादव, शिवांगी प्रजापति, आकांक्षा पटेल, अनुष्का यादव, आर्या यादव, कलश यादव एवं शिवानी गौंड कुल 10 छात्राओं को 5,000 रुपये का डेमो चेक सम्मान पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप 10 आने वाले छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त शिखा यादव द्वारा सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में स्नातक में प्रवेश लेने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 20,000 रुपये का डेमो चेक प्रशस्ति पत्र व मेमोरेंडम देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि सम्मानित की गई छात्राओं को उनके खाते में RTGS के माध्यम से जल्द धनराशि भेज दी जाएगी।